नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के वीडियो में बात करेंगे फेसबुक की जो अपडेटेड साइट है उसके बारे में। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले फेसबुक ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू फ्रेश एंड सिंपल फेसबुक। यहाँ पे डार्क मोड आप यूज़ कर सकते हैं, फास्टर लोडिंग टाइम है और जो लुक्स इसको दिया है जो क्लियर लुक के लिए बिगर टेक्स्ट जो है यहाँ पे यूज़ करें। तो क्लिक करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा मोड आपको यूज़ करना है, लाइट मोड या डार्क मोड। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो पा रहा है राइट साइड में, यू कैन स्विच टू द क्लासिक फेसबुक एट एनी टाइम। यानी कि आप पुराने वाली जो फेसबुक है वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखिए एक डार्क मोड का वापस से ऑप्शन दिया है, टर्न ऑफ एंड ऑन। यहाँ से आप कर सकते हैं, आप रात में आप यहाँ को रेस्ट देने की इच्छा मोड है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू स्विच टू क्लासिक फेसबुक कर सकते हैं और लोगो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन, मैसेंजर, उसके बाद क्रिएट, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। आपको जो पेज क्रिएट करना है, एड क्रिएट करने हैं, ग्रुप इवेंट, मार्केट प्लेस लिस्टिंग एंड फंड रेजर्स जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगी, प्रोफाइल मिल जाएगी आपकी पूरी। उसके बाद मार्केट प्लेस, पेज, ग्रुप जो भी मिल जाएंगे, सी मोड में भी आप क्लिक कर सकते हैं और आपके जो शॉर्टकट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जो सेंट्रल पॉइंट है वो है स्टोरीज का। यहाँ पर आप स्टोरीज जो है किसी की भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड से जो आपको उन्होंने अपलोड करी है, आपकी खुद की जो स्टोरीज है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टोरीज की जो सेटिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी किसी किन किन को आपकी जो स्टोरीज है वो दिखानी है। तो यहाँ पर क्लोज करें, इसको क्लोज किया जा सकता है, तो क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पूरा वॉल मिल जाएगा जहाँ पर आपके फ्रेंड्स की आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फीडेड है और यहाँ पर आती रहेगी। उसके साथ ही आप राइट साइड की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बर्थडेज या जो भी इवेंट्स वगैरह वो यहाँ पे दिखाएगा। इसके लिए स्क्रॉल बटन अलग से दिया है, जो भी ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन रहने वाले की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, नाम आ जाएगी, तो डायरेक्टली आप यहाँ से चैट कर सकते हैं। या फिर आपको किसी उससे पर्टिकुलर चैट करनी है तो नीचे आइकन दिया है न्यू मैसेज का, तो आप डायरेक्टली उसे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको नाम टाइप करना है या जो भी फ्रिक्वेंटली जो आप यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स को, तो वो उनके नाम जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आते रहेंगे। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल अलाइन कर दिया है सबके, सबसे पहले होम आ गया। उसके बाद आपको जो है अपने वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो ग्रुप आप यूज़ कर रहे हैं जिनको फॉलो करें उनके जो फीड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद गेमिंग ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आएगा लास्ट में, यहाँ से आप गो लाइव कर सकते हैं। स्ट्रीमर डैशबोर्ड अलग से दे रखा है, क्रिएट टूर्नामेंट इवेंट जो है वो भी आप कर सकते हैं। आपको मैं क्लिक करता हूँ होम के ऊपर, तो डायरेक्टली आप होम पे आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि आप अपने फोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में, तो प्रोफाइल जो है जिसे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ सारे ऑप्शन अलाइन कर रखे हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और होम वगैरह, वीडियोज़ के ऑप्शन, मार्केट प्लेस ऑप्शन, ऑप्शन और आपकी प्रोफाइल, आपकी नोटिफिकेशन, आपको कुछ क्रिएट करना है, तो वो सारे ऑप्शन जो है वो ऊपर की तरफ भी आपको अलाइन किए हुए मिल जाएंगे। प्रोफाइल जो है वो देख सकते हैं, आपका कवर फोटो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, एक्टिविटी लूप, आप यहाँ से अपना कवर फोटो जो वो एडिट कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल फोटो एडिट कर सकते हैं। आपका नाम जो है वो जस्ट प्रोफाइल फोटो के नीचे की तरफ आएगा बोल्ड के अंदर। उसके बाद आपका जो बायो है वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, एडिट पर क्लिक करके। तो उसके बाद आप स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे की तरफ, स्क्रॉल दिया हुआ है यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ, जैसे कि आप अपनी जो फीड है, आपकी जो एक्टिविटी है वो आप यहाँ से देख सकेंगे। उसके बाद आप न्यू मैसेज से तो डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ये हटेगा नहीं, पूरा रहेगा। जब भी किसी भी पेज पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे टाइमलाइन अबाउट फ्रेंड्स वगैरह दे रखे हैं, मोर के अंदर वीडियोज़ वगैरह एडिट कर सकते हैं, व्यू से आप व्यू कर सकते हैं कि किस तरह की आपकी देखिए कि एक्टिविटी लोग देख सकते हैं, और टाइमलाइन की जो सेटिंग है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो सब कुछ नया ही नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। आपको जो एंड्रॉइड फ़ोन अगर आप जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही मिलेगा, और कुछ इसको अगर आपको व्हाट्सअप फॉर डेस्कटॉप अगर आपने यूज़ करा है तो उसी तरह का है कि जैसे। तो ये कुछ था इसके अंदर, तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नए टेक्निकल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।